नमस्कार दोस्तों, अब आज सुनते हैं कार्तिक मास महात्म के 28वें दिन की कथा, अध्याय 28 में पूजा के कुछ नियम तथा बड़ पीपल की कथा। सूत जी बोले, वासुदेव भगवान अपनी अति प्यारी सत्यभामा को यह कथा सुनाकर सायंकाल की संध्या उपासना के लिए अपने राजमहल में चले गए। इस प्रकार मैंने ऐसा प्रभाव वाला, पापों को नष्ट करने वाला कार्तिक महात्म कहा। यह विष्णु को प्रसन्न करने वाला और भक्ति मुक्ति देने वाला है। हरि जागरण, प्रातः स्नान, तुलसी पूजन, उद्यापन और दीपदान, ये ही कार्तिक के व्रत हैं। इस प्रकार इन पांचों व्रत वाला कार्तिक महात्म भक्ति और मुक्ति देने वाला होता है। ऋषि बोले, विष्णु को प्रसन्न करने वाला, अत्यंत फल देने वाला, रोमांचकारी ये कार्तिक व्रत इतिहास समेत आपने कहा। यह कार्तिक का व्रत पाप और दुख को दूर करने के लिए मोक्ष को और काम भोग की इच्छा करने वालों को अवश्य करना चाहिए। यदि इस व्रत में मनुष्य संकट में पड़ जाए, गहरे वन में भटक जाए या रोगी हो जाए तो यह शुभ व्रत कैसे निभाया जाए, क्योंकि यह व्रत अत्यंत फल देने वाला है, इसलिए इसे त्यागा भी नहीं जा सकता। सूत जी बोले, इस प्रकार किसी आपत्ति में दृढ़ संकल्प वाला पुरुष फंस जाए तो विष्णु अथवा शिव जी के मंदिर में जाकर जागरण करे। यदि यह मंदिर न हो तो किसी और देवता के स्थान में जाकर करे। कठिन वन अथवा किसी प्रकार की आपत्ति के आ जाने पर पीपल के नीचे अथवा तुलसी वन में जागरण करे। विष्णु के मंदिर में विष्णु सहस्त्र नाम का जप करे तो 1000 गौ के दान का फल प्राप्त होता है। बाजा बजाने वाले को वाजपेय यज्ञ का और भगवान के आगे नाचने वाले को सब तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य आपत्ति में हो, उसे कहीं भी जल न मिले अथवा रोगी हो तो विष्णु के नाम से मार्जन करे। जो व्रती उद्यापन विधि को न कर सके, वह व्रत के पूर्ण करने के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराए। ब्राह्मण पृथ्वी पर देव स्वरूप होते हैं, इसलिए ब्राह्मण को भोजन कराने से तृप्त करने पर विष्णु सदा प्रसन्न रहते हैं। यदि आप दीप दान न कर सकें तो दूसरों के दीपक जला दें, उसकी हवा आदि से रक्षा करें। जो तुलसी का वृक्ष ना हो तो वैष्णवों की पूजन करें, क्योंकि विष्णु भगवान सदा अपने भक्तों के समीप रहते हैं। इन सब के अभाव में व्रती गौ और ब्राह्मण का अथवा पीपल और बड़ का पूजन करे। व्रत के पूर्ण करने के लिए आपने बड़ और पीपल वृक्ष को गौ और ब्राह्मण के समान कहे। यह दोनों वृक्ष क्यों अधिक पूजनीय है? सूत जी बोले, पीपल साक्षात विष्णु का स्वरूप है, बड़ शिव जी का और पलाश ब्रह्मा जी का स्वरूप है। ऋषि बोले, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव ये वृक्ष कैसे हो गए? हे धर्मज्ञ, हमसे कहो, इसमें हमको बड़ा संदेह है। तब सूची बोले, एक दिन शिव पार्वती भोग विलास कर रहे थे कि उसी समय ब्राह्मण का रूप धर के अग्नि और देवता उनके विषय भोग में विघ्न उत्पन्न करने के लिए वहां आ गए। तब पार्वती ने विषय रूप सुख में विघ्न होने से देवताओं को श्राप दिया। पार्वती जी बोली, कृमि और कीट आदि भी विषय सुख को जानते हैं, उनमें तुमने विघ्न किया है, सो देवताओं तुम सब वृक्ष हो जाओ। सूत जी बोले, इस प्रकार पार्वती जी के कुपित होने से सब देवता वृक्ष हो गए। हे मुनीश्वरों, तभी से विष्णु और महादेव भी पीपल और बड़ हो गए। पीपल को शनिवार के दिन ही स्पर्श करें और किसी दिन स्पर्श नहीं करना चाहिए। इति श्री कार्तिक मास महात्म 28वां अध्याय समाप्त।